आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और काफ़ी समय से मैंने कोई वीडियो डाला नहीं है और उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि वक्त ना मिल पाने की वजह से वीडियो नहीं बना पाया। और कई लोगों के मैसेजेस आए और काफ़ी लोग परेशान भी हैं, जैसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी, युवा कल्याण अधिकारी पेपर जो 16 सितंबर को, उससे संबंधित जानकारी दूंगा। हाई कोर्ट इलाहाबाद जूनियर असिस्टेंट में जो टाइपिंग से रिलेटेड भी लोग परेशान हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट की ज्वाइनिंग किससे संबंध भी बातें हमारी होंगी। और ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए आप लोगों को आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले जो बात है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जूनियर असिस्टेंट की जो 2016 की जो वैकेंसी थी, 5281 पदों का जो विज्ञापन निकाला गया था, वो उसका इंटरव्यू सभी को पता है समाप्त हो चुका है 9 अगस्त को। उसका जो रिज़ल्ट है 20 सितंबर के आसपास आएगा, क्योंकि अभी इधर बीच संभव नहीं है रिज़ल्ट आ पाना। और क्योंकि 16 सितंबर को परीक्षा लगा हुआ है युवा कल्याण अधिकारी का, जिसका कि 2 मीटिंग में परीक्षा कंडक्ट कराया जाने का विचार बनाया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, फर्स्ट मीटिंग एंड सेकेंड मीटिंग, 2 मीटिंग में इसकी परीक्षा कराई जाएगी। अब आते हैं हाईकोर्ट इलाहाबाद टाइपिंग जूनियर असिस्टेंट, इलाहाबाद हाईकोर्ट टाइपिंग से रिलेटेड अभी कोई जानकारी नहीं, अभी कोई शेड्यूल नहीं बनाया गया है। लेकिन हाँ, अगले सोमवार तक, अगले एक हफ्ते के बाद आप लोगों को डेट बता दिया जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट की टाइपिंग कब तक होगी। अभी तक कोई शेड्यूल नहीं बना है माननीय उच्च न्यायालय में। और बाकी फास्ट ट्रैक कोर्ट से संबंधित जो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, उनकी ज्वाइनिंग के से रिलेटेड मैटर्स हैं, तो उनका डाटा ऑलरेडी तैयार है, वो अपलोड करना है। और आप लोग तैयारी बना लीजिए, जो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी जहाँ तक है। और सितंबर लास्ट वीक में नोटिफिकेशन 20 सितंबर के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे कभी भी जानकारी आ सकती है आप लोगों की। और रही जूनियर से असिस्टेंट से रिलेटेड बातें, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उसमें इसका रिजल्ट जो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं 20 सितंबर से पहले उम्मीद भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि 20 सितंबर के इर्द गिर्द 16 सितंबर युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उसी की परीक्षा कंडक्ट कराने में लगा हुआ है, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट आना संभव नहीं है जूनियर असिस्टेंट का, क्योंकि रिजल्ट, ये बहुत कठिन कार्य है रिजल्ट बनाना, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का जो है रिज़ल्ट, इसमें एकेडमिक मेरिट भी जोड़ा जा रहा है, इंटर कौन फर्स्ट डिवीज़न है, कौन सेकंड डिवीज़न है, कौन थर्ड डिवीज़न है, ये बहुत ध्यानपूर्वक ये डाटा फीड करना, बाकी ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न का पूरा डाटा फीड करना, नंबर फीड करना, ये काफ़ी वक्त लग रहा है। और क्योंकि 2 तारीख को पेपर भी होना था, अभी तक जूनियर असिस्टेंट का रिज़ल्ट जो है तैयार नहीं हुआ है, आप लोग ये जान लीजिए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो जूनियर असिस्टेंट का रिज़ल्ट है अभी तक नहीं तैयार हुआ है। और ये सब जो डाटा फीड करना है, लगभग 5281 पदों का जो डाटा है ये फीड करना, लोगों का एक एक नंबर देखना, परसेंटेज देखना, सारे डॉक्यूमेंट मिलान करना, ये सब बहुत कठिन कार्य है। आप लोग थोड़ा सब्र करिए, रिज़ल्ट आप लोगों का 16 सितंबर के बाद आप लोगों का रिज़ल्ट कभी भी आ जाएगा। 20 सितंबर के इर्द गिर्द आसपास निश्चित तौर से आप लोगों का रिज़ल्ट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पे रहेगा। और साथियों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और प्राइवेट जी से जुड़े रहिए, आगे और भी वीडियोस आप लोगों को, सही सही जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।